जो पूरा कलर्स में यू नो पूरा
पहले जो मैं आया था काफ़ी यहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी, मगर ये परिवर्तन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई एंड पता चल रहा है कि बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, उनके माँ बाप के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कान है, तो मैं जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये सब मिलकर जो किया उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ख्याल यही है कि जो बच्चे होते हैं, सुन जितने बच्चों को कभी भी कोई कैंसर हो तो वो क्योरेबल है, वो कभी उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। और लड़का लड़की कुछ मैंने सुनने में है कि कभी लड़कियों का नहीं कर, लड़कों लड़की को इक्वली आना चाहिए और अपने आप को, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो मैं टाटा हॉस्पिटल है जहाँ हर चीज़ मुफ्त की जाती है, दिल से की जाती है, प्यार से की जाती है। बस मेरी यही व्यवहार है कि सब यहाँ आएँ और बेहिचक आए यहाँ, और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो लोग हैं, जो भी सहायता कर रहे हैं इस हॉस्पिटल की, दिल से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं। और बस ये हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसा हॉस्पिटल है हमारे हिंदुस्तान में जो इस तरह प्यार से ये सब करता है। और लड़कों के लिए भी, लड़की दोनों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है और फ्री है। तो बच्चे जो भी हो, बच्चा हो बच्ची हो, सबको यहाँ लेकर आएँ और अपने आप को ट्रीट करें। आप कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे? बच्चों से बस ये, मैं तो गाना गा रहा था और वो गाना गा रहे थे नेशनल। क्या पुरानी यादें ताज़ा हुई? दखन नहीं 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 पुरानी यादें तो नहीं, दखन तो बस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो मैं समझा कि शायद कोई नया गाना गाएंगे, पर उन्होंने वही गाना गाया, तो अच्छी बात है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बच्चों को खुशी देते हैं, सबको खुशी देते हैं, वो उसमें से ही गाना था। पर उस गानों से, गाने से ज़्यादा मुझे जो खुशी हुई कि उन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम जो गाया, वो जिस तरह उन्होंने गाया और मेरे से बेटर गाया, मेरे से ज़्यादा उनको अच्छी तरह गाया, तो एंड एंड में मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तो अच्छा हाँ, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? बस यही है कि हेल्पिंग हैंड्स के बारे में जितना कहूँ उतना कम, मेरे ख्याल से जो काम हेल्पिंग हैंड्स कर रहे हैं वो यू नो यू हैव टू गिव यू नो, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड्स को ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले की जब देन होती है ना, जो आदमी दिल से करता है वो ऊपर वाला कहीं आशीर्वाद होता है, और ये खुश नसीब होते हैं जो ये सब काम कर सकते हैं। ये सबके नसीब में नहीं है, ये एक अच्छा काम कर, वो जो अच्छा काम करेंगे। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, एक 100 साल का एक किसान है जो बता रहा था कि जितना देंगे आपको उतना मिलेगा, अगर आप नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप मोर यू गिव द मोर यू गेट, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर यू नो मोर फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द यंगस्टर्स, दे शुड अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम पीपल टू गिव, बिकॉज द मोर दे गिव द मोर दे विल गेट। फॉर एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग दिस इंटरव्यू, if you want to become anything in life, if you want happiness, if you want success, if you want peace of mind, if you want that our country should become the best country in the world, you should try your best to give as much as you can. The way everybody is giving your life, helping hands, what helping hands do to this hospital and to this beautiful place which has been built by all the architects. I met the architect also, who's done this absolutely free of cost, which is wonderful. आप तो आते ही रहते हैं, सोनम मंदिर कभी हमें देखेंगे? सोनम भी आई थी या रिसेंटली आई थी वापस, अगर आपके साथ में दोनों आ जाए तो आप बुलाइए ना जरूर। फेस टू में आएंगे। ओके मैम, इसके अलावा सोनम में मेरा शोधन दोनों अच्छे कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? खुशी की बात है क्योंकि आशीर्वाद, जैसे मैंने कहा कि जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, खुशी जो होता है अपने कामयाबी से ज़्यादा आपको अपने बच्चों की खुशी, और जब आप इस तरह बच्चों को दूसरे बच्चों के लिए करेंगे तो आपके बच्चे भी उतने खुश रहेंगे। बस मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप दूसरों के बच्चों के लिए करेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, वो भी कामयाब होंगे, ये आपको ऊपर वाले से आशीर्वाद। फाइनली का टोटल धमाकी स्पेशल स्क्रीनिंग इन बच्चों के लिए रखी जाएगी? अरे हाँ यार, ये तो करना ही चाहिए, टोटल धमाकी स्क्रीनिंग इस बन बच्चों के लिए, देखो ये टोटल एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये तो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि वो पूरे जो फिल्म जो है पूरी मनोरंजक फिल्म है और बच्चों के लिए फिल्म है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका तो क्लियर करना ही चाहिए, कोई ऐसा स्क्रीनिंग करना ही चाहिए बच्चों के लिए। तो आप प्लीज़ उनसे, मैं तो रेडी हूँ, और मैं ये काम आप ही कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ और मैं ज़रूर करूँगा। और ये बहुत अच्छा आइडिया दिया कि बच्चों के लिए, जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनके लिए मैं टोटल धमाल की स्क्रीनिंग करूँगा। Thank you.